की राह हूँ मैं, रंजुगम के मेले हैं, शेर नहीं वैसे ही मैंने बना रखा है और बनाया अभी धीरे धीरे, कि जिंदगी की राह हूँ मैं, रंजुगम के मेले हैं, आपके होते भी सिंगल अकेले हैं। एक्सक्यूज मी, ये डी ब्लॉक किस तरह पड़े? डी ब्लॉक क्या करें? उस तरफ नहीं, उस तरफ मेरे को बता दी, आगे से लेफ्ट जाना पड़ेगा या राइट जाना पड़ेगा? कंफर्म नहीं है आपने? नहीं वैसे ना जी लोग जो भी है तो सर्किल में ही, लेकिन है तो प्रॉपर बता दिया करके नज़दीक किस तरफ से बढ़ेगा। अच्छा अच्छा आपको प्रॉपर नहीं पता है वैसे नज़दीक किस तरफ से बढ़ेगा। क्या आप यहाँ से फ्रेंड से मिलने आए आप? मेरे को लगा कि अगर यही किए तो आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं भी आप ही की तरह हूँ मैं, हाँ मैं भी यहाँ से नहीं हूँ, मैं भी मथुरा से हूँ। भाई तेरा नाम क्या है? तनिष्क। करेक्ट, नाइस टू मीट यू। वैसे ना उसके जो नए लोग होते हैं एक नॉर्मल टाइप के, ठीक है ना, और आपके कुछ लोगों के चेहरे पे जो चश्मा सूट नहीं करता, आपके तो ऐसे लग रहा है कि चश्मा बनाए तो आपकी खूबसूरती के लिए बनाए गए। हाँ एकदम जैसे स्माइल है ना, एकदम कोलगेट स्माइल है आपकी, ऐसी स्माइल करते रहकर बहुत अच्छी लगती है। वैसे क्या करती है वैसे आप? मैं डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट हूँ? डेंटिस्ट, और फिर तो वो कोलगेट स्माइल तो जेनुइन नहीं है आपकी वैसे। मेरे को पता नहीं क्या है कि बचपन से मेरे को लग रहा था कि डेंटिस्ट की लड़कियाँ पसंद थी मेरे को बचपन से ही। अच्छा एक चीज़ बताऊँ ना, आपको देख के मेरे को छोटा सा शेर याद आ रहा है, हरियाणवी में गाना सुना होगा आपने, छोटा सा ही शेर क्या है वो, सॉन्ग नहीं है वो, कि चंदन जैसी काया है मुँह चंद्रमा सा गोल तेरा, हीरे मोती माल खजाने ना कोई जग में तोल तेरा। तो ऐसे ही लग रहा है मेरे को, लगा है कि वो लोगों ने गाना जो बनाया वो आप ही के ऊपर बनाया है, ऐसा है क्या? इस बात में ज़्यादा तो विश्वास नहीं है क्यों? अच्छा ऐसे ही, क्या बताऊँ, मतलब है कि कुछ लोग होते हैं ना जिनके मिलने के बाद में एकदम जैसे माइंड सेट हो ना, एकदम एक डिफरेंट सी फीलिंग आने लगती है, और कुछ लोग होते हैं, और मेरे भी सौभाग्य की बात है कि मेरे को सिंगल लड़की मिली है। हाँ हंसी क्यों आ रही है आपकी? अच्छा तो आपने कभी प्लान बनाया कि जैसे सोचा कभी डबल होने का वैसे? नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती है? रिलेशंस बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है। नहीं देखो मैं आता हूँ ना, कि अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाले को एक होता है कि अट्रैक्टिव रिलेशन एक साथ में हो जाए, वो चीज़ नहीं है। अगर आप किसी के साथ में जुड़े हुए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहें तो आपको मतलब एक कि उस पर ट्रस्ट कर सकोगे, धीरे धीरे फ्रेंड जोन में, फ्रेंड जोन के बाद में रिलेशन में आओ तो वो बेहतर रहता है वो, और अचानक ही रिलेशन में आना हो तो हो सकता है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो ही जाती होंगी नॉर्मली। वैसे है ना एक चीज़ बताऊँ, जब तक थोड़ी सी नोक झोंक नहीं होती है ना, लड़ाई नहीं होती है, तब तक रिलेशन जस्ता भी नहीं है ना। हाँ हैप्पी टू बी सिंगल। अच्छा लेकिन अब नहीं रहोगे वैसे सिंगल आप? हाँ मेरे को लग रहा है कि अब भी गिर रहा हूँ मैं, रंजुगम के मेले हैं, शेर नहीं वैसे ही मैंने बना रखा है और बनाया अभी धीरे धीरे, कि जिंदगी गिर रहा हूँ मैं, रंजुगम के मेले हैं, आपके होते भी सिंगल अकेले हैं, ऐसा नहीं चलना चाहिए ना। मिलेगी आप अच्छी नहीं हो क्या? मैं हूँ, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी मिलेगी? नहीं ज़्यादा अच्छी नहीं चाहिए ना। मैं जैसे है ना ऊपर वाला जो भी देता है ना, चप्पर फाड़ के देता है, जैसे भी देता है वही काफ़ी होता है, उसी से संतुष्ट करने चाहिए। वैसे भी हम मथुरा से हैं, ठीक है ना, तो हमारे यही है कि जो भी देता है भगवान वही काफ़ी कम्फर्टेबल रहता है हमारे लिए, उसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं हम। तो मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं चाहिए, मेरे को आप ही मिल जाओ तो क्या रहने का। सिंगल खुश हो? मेरे को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ सच्ची। नहीं सिंगल कब तो खुश रहोगे? मैं अच्छा नहीं कोई बात नहीं ना, देखो बॉयफ्रेंड्स वाली और वो चीज़ें तो हो ही नहीं सकती है, मतलब पढ़ाई अलग है, देखो वो एक कैरियर है, सब कुछ है वो, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है मतलब है कि तो पढ़ाई से ऊपर हो, लेकिन फिर भी मतलब है कि पढ़ाई से हट के भी तो लाइफ में कोई ना सोच लीजिए। हाँ क्या होगा, हंसी क्यों आ रही है आपकी?
पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी चांस ही बनता है ना। मेरे को भी सडनली ऐसी फीलिंग आई, वो भी पहली बार आई, इससे पहले नहीं आई। नॉर्मली होता है फ्रेंड जोन में आना, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे करते हैं फ्रेंड जोन में आते हैं। फ्रेंड जोन में आने के बाद में अगर हमारे को अच्छा, आपको मेरा बिहेवियर अच्छा लगे और आपकी कॉलगेट स्माइल मेरे को हमेशा अच्छी लगेगी, और आपका जो नाम है काफ़ी यूनिक नाम है, काफ़ी अट्रैक्टिव नाम है, काफ़ी अट्रैक्टिव आप, तो मतलब है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो कैसा रहेगा, देखते हैं ना। उसके लिए पता है हमारे को क्या करना पड़ेगा कि कोई ना कोई मतलब इंडिकेशन के कैसे भी करके जुड़ा रहना पड़ेगा किसी न किसी प्लेटफॉर्म से। तो आप व्हाट्सएप या फिर इंस्टा तो यूज़ करते ही होंगे, इंस्टा यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कमी लड़कियाँ यूज़ करती हैं व्हाट्सएप आजकल। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल के ज़माने, लड़कियाँ मतलब इंस्टा व्हाट्सएप छोड़ती जा रही हैं, इंस्टा यूज़ कर रही हैं, क्या ये सच है वैसे? नहीं अपने हिसाब से बताओ ना। तो अच्छा ठीक है ना, हम लोग इंस्टा पर जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे बातें करता रहूँगा, आप भी मेरे से बातें करते रहिए, जब आपको परफेक्ट लगे टाइम तो उस टाइम मतलब मैं आपको प्रपोज कर दूँगा, तो ठीक है ना, ऐसे जुड़ सकते हैं अभी तो पहले हम। सिंगल हूँ सच्ची में? हाँ। चलो ठीक है, अब नहीं रहोगी सिंगल वैसे, फ्रेंड बन गए ना हम लोग, दोबारा साथ में रहिए अच्छी बात। तो फ्रेंड बन गए, एक बात होता हूँ, अब तो कहीं जाने की नहीं है आप, ठीक है, हमारी सर्किट में रहेंगे। एक्चुअली पता है क्या नाम है जो फॉलो किया है ना मैंने, वो डायमंड करेंसी ना, उसी नाम से मेरा मतलब यूट्यूब पर चैनल है, तो उसके साथ उसके लिए जस्ट मतलब फनी वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग, सामने की तरफ कैमरा लगा हुआ है, तो थोड़ा सा हाई कर दीजिए, और इस वीडियो को हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी पक्का ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।